आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। ड्रग्स मामले में एनसीबी बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों पर शिकंजा कर सकती है। एनसीबी समन भेजने की तैयारी में है। एनसीबी ड्रग्स मामले में रकुल प्रीत, सिमोन खंबाटा और सारा अली खान को समन भेजेगी। सबसे पूछताछ होगी। मुंबई में एनसीबी दफ्तर में आग लगी है, आग बुझाने की कोशिश जारी है। एनसीबी दफ्तर में रिया ड्रग्स केस की जांच चल रही है। ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए श्रुति मोदी, जया साहा एनसीबी दफ्तर पहुंची, दोनों से एनसीबी पूछताछ करने वाली है। रिया की जया के साथ ड्रग चैट्स मिलने के बाद एनसीबी ने जया पर शिकंजा कसा। जया ने कबूल किया था कि उसने सुशांत को भी तनाव से दूर रहने के लिए सीबीडी ऑयल इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। बॉलीवुड में यौन शोषण के खिलाफ बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने मोर्चा खोला। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने रूपा गांगुली प्रदर्शन करने बैठी। रूपा गांगुली ने प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन किया, कहा अनुराग कश्यप पर कार्रवाई हो। सूत्रों के मुताबिक पायल घोष के पास अनुराग के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। व्हाट्सएप चैट से अनुराग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया जाएगा, पुलिस को सबूत के तौर पर चैट डिटेल दी जाएगी। पायल के आरोप पर अनुराग के वकील ने बयान दिया, कहा पायल घोष के सभी आरोप गलत हैं। पायल ने कहा मीटू को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, इस तरह के आरोपों से छवि खराब की गई। पायल घोष अपने आरोपों पर कायम है, कहा अनुराग के साथ खड़े होने वालों से परेशानी नहीं, मेरे साथ मेरा सच और सिद्ध बिना है। यौन शोषण के आरोप से घिरे फिल्मेकर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पायल घोष आज शाम अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगे। पायल घोष के वकील नितिन सतपुते ने कहा कि पायल के साथ 2014 में छेड़छाड़ की गई, अनुराग कश्यप ने अपने घर पर पायल के साथ बुरा बर्ताव किया। पायल घोष के समर्थन में उत्तरी कंगना ने ट्वीट कर लिखा, बॉलीवुड में स्ट्रगल करती लड़कियों के साथ सेक्स वर्कर्स की तरह बर्ताव होना सामान्य। कंगना ने आगे लिखा, पायल घोष जो कुछ बता रही है वो सब करने में अनुराग कश्यप सक्षम। एक्ट्रेस पायल घोष ने सपोर्ट करने के लिए कंगना को शुक्रिया कहा, ट्वीट कर लिखा, इस समय आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत धराधरा कर गिर गई, हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। मलबे में 25 से 30 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है, करीब 30 लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जुलानी अपार्टमेंट 46 साल पुराना था, डेंजर लिस्ट में इमारत नहीं थी फिर भी गिर गई। महाराष्ट्र सरकार ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया, एकनाथ शिंदे ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। कृषि बिल पर पीएम मोदी ने कहा संसद के ऐतिहासिक बिल पास किए गए, कृषि सुधार बिल 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। पीएम ने कहा कृषि मंडियां खत्म नहीं होंगी, किसान जहां चाहें फसल बेच सकेंगे। कृषि बिल के खिलाफ देशभर के किसानों में गुस्सा है, विरोध में राजस्थान की मंडियां बंद रहेंगी। बिल के विरोध में हरियाणा में कांग्रेस के किसान संगठन ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई, राज्यसभा के बचे हुए सत्र के लिए सांसद निलंबित किए। डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव साचव समेत 8 सांसदों को निलंबित किया गया, सभापति वेंकैया नायडू ने एक्शन लिया। वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सभापति की इस कार्रवाई के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा। वेंकैया नायडू ने कहा कि सांसदों का बर्ताव बेहद शर्मनाक है, कल लोकतंत्र के लिए बेहद खराब दिन रहा। वेंकैया नायडू ने कहा विपक्ष सांसदों का बर्ताव बेहद निंदनीय था, राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन। सांसदों के निलंबन पर सदन में हंगामा हुआ, 1 घंटे में 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कल कृषि बिल पर चर्चा के दौरान सांसदों ने रूल बुक फाड़ी थी, उपसभापति का माइक भी तोड़ दिया था। एलएसी पर तनाव को लेकर एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हुई है, मोल्डो में 6ठे दौर की बातचीत जारी है। बैठक में भारत चीनी सेना को पीछे हटने का दबाव बनाएगा, चुशूल में भारत और चीन की सेना फायरिंग रेंज में आमने सामने है। भारतीय वायुसेना की नई ताकत राफेल लड़ाकू विमानों ने लद्दाख के आसमान में उड़ान भरनी शुरू कर दी है, रविवार की देर शाम उड़ान भरी। अम्बाला एयरबेस से राफेल लड़ाकू विमानों के लद्दाख के लिए उड़ान भरी गई, एलएसी पर हालात का जायजा भी लिया।
वायुसेना की ओर से लद्दाख सीमा पर सुखोई, जगुआर, मिग और अब राफेल लड़ाकू विमान को तैनात किया गया। वायुसेना लगातार उड़ान भरकर चीन पर नजर बनाए हुए है। सीमा पर जारी तनाव के बीच में भारतीय सेना अलर्ट पर है, वायुसेना भी लगातार चीन पर नजर बनाए हुए है। अथॉरिटी ने सेक्टर 21 में फिल्म सिटी के लिए 1000 एकड़ जमीन होने की बात कही। अथॉरिटी ने जानकारी अपर मुख्य सचिव को भेजी है। आईपीएल के तीसरे मैच में आज विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हैदराबाद से भिड़ेगी। दोनों ही टीमों का इस सीजन में ये पहला मैच है। किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया मैच सुपर ओवर में पहुंचा। सुपर ओवर में दिल्ली ने बाजी मारी। मैच में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने पर मार्क स्टोइनिस को मैन ऑफ द मैच दिया गया। मार्क स्टोइनिस ने 53 रन की धुआंधार पारी के साथ 2 विकेट भी चटकाए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। पंजाब ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 157 रन भी बनाए। दिल्ली की ओर से मार्क स्टोइनिस ने 21 गेंदों में 53 रन बनाए, जबकि पंजाब की ओर से मयंक अग्रवाल ने 7 गेंदों में 89 रन बनाए। आर अश्विन छठे ओवर के अंतिम गेंद पर 1 रन बचाने के चक्कर में चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें मैच से बाहर होना पड़ा। चुनाव से पहले बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार को करीब 14,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। इन योजनाओं में 9 राजमार्ग परियोजना और 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने वाला कार्यक्रम शामिल है। कोरोना पर राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया, कहा दिल्ली में तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। 24 घंटे में 3,812 नए मरीज मिले हैं, 37 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 86,961 नए मरीज सामने आए हैं।